गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 9th के सिविक्स का 5वां चैप्टर। और यह जो 5वां चैप्टर है इसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। तो इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखिए, मैं इस चैप्टर में यानी इस चैप्टर में बहुत सारी बातें सीखने के लिए दी गई है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि लोकतंत्र में अगर अधिकार नहीं होता है तो अधिकार के बिना जीवन कैसा हो जाता है, और इसके लिए हम लोग तीन उदाहरण पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्वांतानामो बे, ये जेल का नाम है, इस जेल की कहानी को देखेंगे, और फिर सऊदी अरब की कहानी को देखेंगे, और फिर कोसोवो में जनजातीय नरसंहार हुआ था इसकी कहानी को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि लोकतंत्र में जो अधिकार होता है वह किस प्रकार से अधिकार हमें मिलता है, अधिकार क्या होता है, और लोकतंत्र में हमें किस किस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, जिसे मुख्य रूप से हम शॉर्ट में लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं, वो कौन कौन से अधिकार है और इसकी हमें क्यों जरूरत है। और फिर हम अपने भारत देश में आएंगे और देखेंगे हमारे भारत देश में जो संविधान बना है क्या उसमें हमें अधिकार दिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में जो नागरिकों को दिए गए प्रमुख प्रकार के अधिकार हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। और इसकी संख्या 6 है और इस सभी अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और ये सभी मिलकर के लोकतांत्रिक अधिकार कहलाते हैं। इन लोकतांत्रिक अधिकारों या मौलिक अधिकारों की संख्या 6 कौन कौन सी है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस पूरे चैप्टर्स में हम इस सभी अधिकारों को विस्तार से समझेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इन अधिकारों को बढ़ाने का जरूरत है, या बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह पूरा वीडियो जो है मैं लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है अजीत कुमार, और आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करते हैं तो आप मुझसे जुड़े हुए किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हैं तो आपके अंदर जो भी सवाल है, क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस और आंसर का जवाब पाने के लिए आप हमें जो फोटोज़ है यानी कि क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं, और मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर कोई बड़ा टॉपिक है, वो टॉपिक आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो वह भी टॉपिक आप जो है फोटो खींच के टेलीग्राम में भेज सकते हैं, और यहाँ से मैं आपको उन सभी टॉपिक्स का क्या कर सकता हूँ, जो एक्सप्लेनेशन वो वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से आपको सेंड कर सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा उठाइए और आप मुझे इन सभी सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं और समझते हैं अपना टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि अधिकार अगर नहीं रहता है, यानी अगर किसी भी प्रकार का अधिकार आपको नहीं मिलता है तो उसके बिना जीवन कैसा हो सकता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, अधिकारों के बिना जीवन की बात करें तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाली होती है, दर्दनाक होगा। ओके, यहाँ पर दर्द लिख देते हैं, दर्दनाक। ओके, तो इसकी कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं ग्वांतनामो बे का जेल से कहानी शुरू करते हैं, ताकि आपको पता चलता है कि अगर अधिकार नहीं रहता है तो क्या होता है। तो एक सवाल आपके मन में आता होगा कि ये ग्वांतनामो क्या है। तो ग्वांतनामो बे एक स्थान का नाम है, ये कहाँ पर है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप लीजिएगा यानी कि विश्व का मानचित्र, तो यह जो एरिया आपको दिख रहा है यह है उत्तरी अमेरिका, यानी कि इसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, और नीचे वाला साउथ अमेरिका है, और इसके बीच में यह जो आपको स्थान दिख रहा है, इसी बीच में ये क्यूबा देश के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर आपको ये जो इलाका देखने को मिलेगा। हालांकि ये क्यूबा देश का ही एक द्वीपीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको जो क्षेत्र देखने को मिलेगा इसका नाम है ग्वांतनामो बे जेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्वांतनामो बे जेल है, स्थान है, और ये एक ऐसा जेल है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसमें कौन सी घटना होती है, आइए घटना को समझते हैं। तो 1911 की घटना सबसे ज़्यादा मशहूर घटना है, और यह घटना होती है अमेरिका में। तो अमेरिका में क्या होता है, आइए आपको समझाते हैं। अमेरिका में 19 आतंकवादियों ने क्या किया, 4 विमानों का मतलब होता है हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को उन्होंने क्या कर दिया, हाईजैक कर लिया, मतलब किडनैप कर लिया। और उनमें से जो 4 विमान है उनमें से 2 विमान को क्या किया, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाके भिड़ा दिया। ओके, तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर उन्होंने क्या कर दिया, हवाई जहाज को पूरी तरह से टकरा दिया, और हवाई जहाज तो चूर चूर हो ही गया, साथ ही साथ जो उसमें पैसेंजर थे उनको भी खतरा हो गया, और जो टावर था यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये टावर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास में जो बिल्डिंगें थी वह पूरी तरह से तबाह हो गया। और ये पूरा जो हमला है किसने किया था, ये आतंकवादी संगठन था जिनका नाम था अलकायदा। ओके, इसके बाद कुछ और चीज़ें, पूरी घटना जो है 11 सितंबर 2001 को हुआ था, चूँकि जो अमेरिका के लोग होते हैं वह मंथ को पहले लिखते हैं, यानी महीने के जो नाम है वह पहले लिखते हैं,
और फिर डेट को लिखते हैं बाद में। तो ये देखिए 9 सितंबर में होता है नौवां महीना और यहाँ पर 11 तारीख, तो इसलिए इस घटना को हम कहते हैं 9/11 की घटना। ओके, और इसमें लगभग 3000 लोग जो थे मारे गए थे, और इसको किसने किया था, अलकायदा ने किया था। तो ये था पूरा जो टाइमलाइन है 9/11 की घटना। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो 9/11 की घटना जैसे हुआ तो अमेरिका जो सरकार है वह दुनिया का सुपीरियर पावर है, और उनको लगा कि ये जिन जिन ने घटना किया है हम उसको सजा देंगे, और इसलिए अमेरिका की फौज ने पूरी दुनिया में विभिन्न स्थानों से, अलग अलग स्थानों से 600 लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, चुपचाप पकड़ लिया। जहां पर भी मिला, कोई भी देश है, सब जगह से उन्होंने क्या कर लिया, लोगों को उठाया। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सरकार बोलती थी कि ये लोग जो है वह अमेरिका के दुश्मन है, और इन्होंने 11 सितंबर 2001 को हमलों में इनका संबंध है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था, और इसीलिए उनको दोषी मानते हुए उनको पकड़ लिया गया और इन्हें पकड़ करके ग्वांतनामो बे जेल में डाल दिया। तो ये जेल आपको दिखा चुके हैं, और अगर आप इसको इंटीरियर से देखेंगे तो ये जेल कुछ इस तरह से दिख रहा होगा जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं। इन लोगों ने पकड़े हुए व्यक्ति से देश के सरकार को भी सूचना नहीं दी। आप देख सकते हैं बिना सूचना दिए इनको पकड़ लिया, किसी को भी किसी से मिलने की भी अनुमति नहीं थी, आप किसी से नहीं मिल सकते थे। केवल संदिग्ध के, यानी कि केवल संदेह के तौर पर इन्हें बंधक बना लिया गया था। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने गुनाह किया था, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं इन लोगों ने गुनाह नहीं किया था, बल्कि डाउट होता है ना, एक संदेह होता है, तो संदेह की दृष्टि से इन्हें पकड़ लिया गया था। सेना से ही सब फैसला लिया जाता है, किसे जेल में डालना है और किसे नहीं डालना है, यानी कि सारा जो फैसला वो सेना लेता है। अब आप हमारे देश भारत की लीजिए, अगर कोई भी आदमी जुर्म करता है तो उसे डायरेक्ट सेना सजा नहीं देती है, पहले वो अदालत की जाती है, यानी कि अदालत में फैसला सुनाया जाता है, अदालत के बाद उन्हें जेल में भेजा जाता है और जेल में सारा काम होता है। लेकिन यहाँ पर सारा काम कौन कर रहा था, सेना हो रहा था, सेना ही सारे फैसले ले रहे थे किसे जेल में डालना है और किसे नहीं डालना है। जज का जरूरत नहीं था, कोई मुकदमा नहीं चल रहा था, कैदी अपने देश के अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते थे, यानी कि वह अपने अदालतों में भी नहीं जा सकते। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है, ओके, दुनिया की जो, जब पूरी दुनिया की बात आती है तो पूरी दुनिया के लिए अगर कहीं जज बैठा हुआ है तो वह बैठा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसे हम शॉर्टकट में UN कहते हैं। ओके, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इनके महासचिव ने कहा कि ग्वांतनामो बे का जेल को बंद कर देना चाहिए, और अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। तो ये एक छोटी सी घटना है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। अब आइए थोड़ी कहानी सऊदी अरब की पढ़ते हैं। तो सऊदी अरब में क्या होता है, आप सऊदी अरब पहले देख लीजिए मैप में कहाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये है अपना प्यारा भारत, और अगर आप इससे पश्चिम की ओर जाइएगा तो यहाँ पर जो देश मिलेगा इसे हम बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप में जो देश है उसका नाम है, यहाँ पर बीच में से एक देश है जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बगल में आपको ईरान मिलेगा, जॉर्डन मिलेगा, इससे लाल सागर को पार करके इजिप्ट मिलेगा, सूडान मिलेगा, इसके बाद इरिटीरिया मिलेगा, यमन, ओमन, UAE जिसको आप, जिसमें UAE में ही सऊदी अरब है, ओके, और सॉरी दुबई है, सऊदी अरब तो अलग देश है, दुबई है, ओके। तो दुबई अलग देश, जो देश नहीं है, बहुत बार बच्चे जो होते हैं दुबई को देश मान लेते हैं, दुबई जो है एक शहर है, और ये कहाँ पर मौजूद है, UAE में मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कतर है और ये कुवैत है, इसके आसपास के देश है सऊदी अरब के आसपास का देश। सऊदी अरब में क्या कहानी होती है आइए देखते हैं। तो सऊदी अरब जो है देश के, ये जो सऊदी अरब देश है इसमें वंश का चलन था, यानी यहाँ पर वंशवाद था। वंशवाद का मतलब होता है कि जो राजा है उसका आने वाला शासक राजा बनेगा, अभी भी यही चल रहा है, और राजा या शाह को चुनने या बदलने का कोई भूमिका नहीं था, आप इसे बदल नहीं सकते हैं, अगर बदलेगा तो उसका आने वाला जो वंश है वही आएगा, जो राजा है या शासक है उसका बेटा बनेगा। शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोग चुनाव करते थे, यानी कि जो शाह का मतलब होता है यहाँ का जो राजा है, यहाँ के राजा को ही हम शाह कहते हैं, तो उनकी विधायिका और कार्यपालिका का चुनाव वही करते थे, जजों की नियुक्ति जो वह शाह ही करते थे, और उनके फैसलों को कोई पलट भी नहीं सकते थे। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला था, यानी कि इनको हाल ही में वोट देने का अधिकार मिला है। आप ऐसा जान सकते हैं कि दुनिया में सभी देशों को लगभग वोट देने का अधिकार मिल चुका है महिलाओं को, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये हाल ही में मिला है। और उन्हें बहुत सारे सार्वजनिक पाबंदियों का सामना करना पड़ता था, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर वो सार्वजनिक स्थान पर जाती है तो उन्हें बुर्का पहन के जाना पड़ेगा, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि ये नहीं मिला था, लेकिन हाल फिलहाल में ये मिल चुका है।
लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में आप दल बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। मीडिया को शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर देने की अनुमति नहीं है। कोई भी धार्मिक आज़ादी नहीं है, आपको एक ही धर्म को पालन करना पड़ेगा, इस्लाम धर्म। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्म को लोगों को घर के अंदर अपने ही धर्म के अनुसार पूजा करने पाठ कर सकते हैं, यानी घर के अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। यानी कि सार्वजनिक स्थान पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन सब पर क्या लगा हुआ है? रोक लगा हुआ है। तो आप क्या देखते हैं? यहाँ पर बहुत सारे अधिकार जो है नागरिकों को नहीं मिला हुआ है, और इसी तरह से अधिकार नहीं मिलने पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक और कहानी पढ़ते हैं आपको, कोसोवो में जनजातीय नरसंहार। तो कोसोवो जो है युगोस्लाविया का एक प्रांत है, युगोस्लाविया देश है, अफ्रीका के आसपास आपको देश मिलेगा। तो अल्बियाई लोगों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, अल्बियाई लोग यहाँ पर रहते हैं, परंतु पूरे देश में सर्व लोग बहुसंख्यक थे। सर्व जो लोग थे वो क्या थे? बहुसंख्यक थे। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसविक ने कोसोवो में चुनाव में जीत हासिल कर ली, यानी कि इन जो क्षेत्र है यानी कि सर्व के जो लोग हैं इन्होंने क्या कर लिया? जीत हासिल कर लिया। क्यों? क्योंकि इनके बहुसंख्यक है। लिखा है कि मिलोसिक सरकार का अल्बियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। मिलोसिक के जो लोग हैं ये अल्बियाई के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर व्यवहार करते थे। अल्बियाई लोग जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले गए या तो सबों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिए, देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया? या तो इन्होंने जो ये है मोल्सेविक, ओके, जिसे हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा सा, तो मिलोसेविक, ठीक है, ये है जातीय समूह। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये जो जाति है इसकी संख्या क्या है? अधिक है। और जो अल्बियाई है इसकी संख्या क्या है? कम है। तो जिसकी संख्या अधिक है वह कम वालों पर हावी है, यानी कि कम जिसकी संख्या है, किसकी संख्या कम है? अल्बियाई की संख्या क्या है? कम है। तो उसे मोल्सेविक की बात को मानना पड़ा, और अगर वो नहीं माने तो वह देश को छोड़ के चले गए। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1919 में अल्बियाई परिवार के साथ घटना घटी। 74 वर्षीय बत्तीसा होमसा अपने 77 वर्षीय पति इज्जत के साथ बैठी आग ताप रही थी, ठंडा का मौसम होगा, और सर्बिया की फौज शहर में घुस आई थी और विस्फोट होने लगी। तो सर्बिया की फौज यहां पर आई थी, विस्फोट होने लगा। तभी दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आ गए और पूछे, बच्चे कहाँ हैं? इज्जत की छाती में 3 गोली दाग दी गई, होमसा की शादी की अंगूठी उतार फेंकी और उसके घर को आग लगा दी गई। वह बरसात में बेसहारा, बेबस, लाचार सड़क पर पड़ी रही। यह सब उनके साथ जनता द्वारा चुनी गई सरकार ने किया, यानी कि जिस सरकार को जनता ने चुना था उसी ने यह किया था। यह नरसंहार देश की सेना, लोकतांत्रिक नेता कहने पर, लोकतांत्रिक के जो नेता है उन्होंने कहने पर किया, जो एक तरह से जातीय पूर्वाग्रह से पारित था, यानी कि जाति के आधार पर यह भेदभाव किया गया था। आखिरकार कई देशों की दखल ने यह काम जो है रोका गया, यानी कि बहुत सारे देशों ने जब दखलंदाजी किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तब इन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जैसा कि हम सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश, पूरे विश्व के लिए एक न्यायालय है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, उन्होंने मिलोसेविक के खिलाफ मानवता विरुद्ध कृत्य के लिए मुकदमा चलाया, यानी कि मानव के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं इसके लिए वहां पर मुकदमा चलाया गया। तो ये 3 उदाहरण था जहां पर हमने देखा कि जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, यानी कि अधिकार का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और नागरिकों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि क्या हमें लोकतंत्र में अधिकार की जरूरत है? तो इसका जवाब होगा हाँ। अगर लोकतंत्र में हमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा तो हम बहुत सारे जो है खतरों के या बहुत सारे मुसीबतों के शिकार हो सकते हैं, और हम पे कोई भी आके अत्याचार कर सकता है, हमें अपनी मर्जी के रहने के लिए बोल सकता है। जैसे कि सऊदी अरब में आप अपनी मर्जी से नहीं रह सकते, उनके मर्जी से रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि ग्वांतनामो जेल में अमेरिका के मर्जी से काम चल रहा था, कोसावो में मोल्सेविक की मर्जी से काम चल रहा था। तो हम क्या देखते हैं कि उनके मर्जी से काम चलना पड़ता है, इसलिए अधिकार हमारे पास होना जरूरी है। अधिकार कुछ नहीं है, अधिकार एक प्रकार का दावा है, यानी कि ये आप अपना दावा करते हैं ना, मैं दावा करता हूं कि मेरे पास ये सारा जो है अधिकार है मेरा, यानी अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों के साथ रहने के, अपने समाज में और अपनी सरकार से दावा है कि वो बिना डर भाई के साथ रह सकते हैं और बिना अपमानजनक व्यवहार से बच करके जीना चाहते हैं, और यही उनका दावा है। दूसरों के लिए अधिकार का आदर करना भी हमारे लिए एक अधिकार का ही पार्ट है। हर समाज में अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनना चाहिए। ये कुछ कायदे कानून बनाता है, और यही कायदा कानून क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये कौन तय करता है? ये हमारा अधिकार तय करता है। समाज जिस चीज को सही मानता है
जिससे सबसे बेहतर मानता है, सबके लिए वो अधिकार लायक मानता है, वही हमारे लिए अधिकार बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम सबको वोट देना चाहिए, तो ये सबके लिए क्या है, बराबर है, सबके लिए क्या है, लायक है, तो हम इसे लायक मानते हैं। और अगर हम लायक मानते हैं किसको, जो 18 से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उसे हम लायक मानते हैं, और इसीलिए 18 से प्लस जो भी व्यक्ति होगा उसे हम वोट देने का अधिकार देंगे, और अगर उसे कम होगा तो वो बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है, और इसीलिए हम उसे वोट देने का अधिकार नहीं देते। और ये जो अधिकार है वह समय एवं स्थान के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसलिए समय एवं स्थान के हिसाब से अधिकारों एवं अवधारणा जो है वो बदलते रहते हैं। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं और इन्हें समाज से स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली हुई रहती है, यानी कि ये समाज भी स्वीकृत करता है कि हाँ ये अधिकार बेहतर है। हम कभी बोलते हैं कि मेरा 16 साल का उम्र है और मैं वोट देना चाहता हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमने ये स्वीकार किया है कि जब हमारा उम्र 18 वर्ष होगा तभी हम वोट देने के लायक होंगे और तभी हम वोट दे सकते हैं। तो ये समाज स्वीकृत करता है और अदालत भी इन सबको मान्यता देते हैं। जैसा कि अगर आप पिछले चैप्टर्स में पढ़े होंगे जिसका नाम था संस्थाओं के कामकाज, तो उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से अदालत भी एक कानून को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो हम समझ चुके हैं कि लोकतंत्र में अधिकार क्या है। तो अब आपको मन में यह सवाल आता होगा, जरूरत क्यों पड़ता है, इन अधिकारों की जरूरत क्यों है, क्या हम बिना अधिकारों के जी सकते हैं? तो देखिए, इसमें हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलता है, हम सभी जानते हैं, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि को चुने जाने का अधिकार होता है। तो अगर आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो आप अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन सकते। लोकतंत्र में चुनाव लोग अपना विचार को व्यक्त करता है, तो आप अपने विचार को नहीं व्यक्त कर पाइएगा। राजनीतिक पार्टियां बना सकते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाने की आज़ादी मिलती है, गतिविधियों की आज़ादी मिलती है, आप ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। आप पिंजरे में बंद जैसा महसूस रखिएगा। जो अल्पसंख्यक होंगे, जिनकी संख्या कम होगी, उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी, उनको सताया जाएगा, उनका दमन किया जाएगा। अगर आप 10th में जाइएगा तो वहाँ आपको कहानी पढ़ाई जाएगी श्रीलंका और बेल्जियम की, तो अब आपको पता चलेगा कि श्रीलंका में क्या हुआ था। यहाँ पर जो अलग अलग जाति समूह के लोग थे, एक था सिंगाली और दूसरे जाति समूह थे तमिल, तो अब सिंगाली की संख्या अधिक थी, यहाँ पर लगभग 78% जो थे सिंगाली थे, तो ये बाकी दूसरे लोगों का जिसकी संख्या कम थी तमिल लोगों की, वह हो जाएगा अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के साथ बहुत ही खराब व्यापार करते थे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं देते थे, उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं देना चाहते थे, तो इन्हें दमन कहते हैं। तो अल्पसंख्यक की रक्षा नहीं हो पाती, अधिकारों की स्थिति बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसा लगता है। अगर आपको यहाँ पर, अगर अधिकार की स्थितियों की बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसा लगता है कि हाँ मेरी गारंटी है कि यहाँ पर अधिकार बिगड़ भी जाएंगे तो हमारी रक्षा हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अधिकार नहीं दिया है वहाँ पर अगर अधिकार की स्थिति बिगड़ती है तो आपके साथ बहुत ही गलत हो सकता है। कभी कभी सरकार अगर तानाशाह हो गया तो आप उसे नहीं बदल सकते हैं, तानाशाह सरकार के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। जैसा कि आप कहानी सुने होंगे कि उत्तर कोरिया में जो सरकार है वह बिल्कुल ही तानाशाह है, क्या उसे बदला जा सकता है? नहीं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारा संविधान बनाया गया है और संविधान में हमें अधिकार दिया गया है जिसे सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो इसीलिए इन सभी कारणों से, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारे देश में संविधान में अधिकार दिए जाते हैं और हमें अधिकार की जरूरत होती है। तो हम समझ चुके हैं कि अधिकारों के बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी खराब है। तो अब आइए हम समझते हैं कि हमारा जो भारत है उसके संविधान में कौन कौन से अधिकार की बात कही गई है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे बुनियादी रूप है, जरूरती रूप है, जिनमें हमें अधिकारों के विशेष दर्जा दिया जाता है, और इन अधिकारों के बल पर ही हम अपने देश में स्वतंत्र रहते हैं और हम अपने मर्जी के विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इन अधिकारों को मुख्य रूप से मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। ये सभी अधिकार मिलकर के, कुल मिलाकर के हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आइए एक एक करके इन सभी के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ढेरे वीडियोस पाने के लिए। और साथ ही साथ मैं 2 और चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है अभी क्लासेस डाउट और दूसरा है अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आप
कि मन में कोई भी छोटा सा भी सवाल है तो उस सवाल को अभी क्लासेस डाउट में कमेंट कीजिए, मैं उस सवाल का जवाब आपको एक शॉर्ट वीडियो में अवेलेबल करूंगा जो 2 से 3 मिनट के अंदर रहता है, जिसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखा जाता है ताकि आप उस आंसर को एग्जाम में लिख सको। इसमें केवल क्वेश्चन के आंसर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं और जहाँ तक संभव होता है हम फोटो के माध्यम से भी आपको चीज़ों को समझाते हैं। तो प्लीज़ जाइए अभी क्लासेस डाउट के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे हैं तो इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं है, अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने क्लास 9th के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पहले ही अपलोड कर दिया है, जल्द ही मैं इसमें हिस्ट्री एवं सिविक्स के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको भी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ समानता का अधिकार। जैसा कि ये शब्द ही कह रहा है, समान यानी सबको समान मानने का अधिकार देता है। तो इस अधिकार में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दर्जा का हो, किसी भी पद का हो, चाहे वो पद छोटा हो, बड़ा हो, अधिकारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कोई भी, वह सब कानून के समान रूप में है, यानी कानून के सामने समान है। और इसीलिए आप कोई भी गलत काम करते हैं, मान लेते हैं देश का सबसे अमीर व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उसे भी जेल होगा, और अगर कोई गरीब आदमी अगर कोई गलत काम करता है तो उसे भी क्या होगा, जेल होगा, और इसके लिए जो भी सजा हमारे संविधान में लिखा गया वो सजा होगा। आप देख सकते हैं कि राम रहीम जैसे कुछ बड़े बड़े बाबा, तो आप देख सकते हैं उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा, अरबों खरबों रुपये थे, करोड़ों रुपये थे, तो क्या वे अमीर नहीं थे? हाँ, उन्होंने गलती किया, उनको जेल हुआ, हाँ हुआ, तो उन्होंने गलती किया। अगर गरीब आदमी भी यही गलती करते तो उनको भी क्या होता, जेल होता। तो आप क्या देखते हैं कि अगर आप गलती करते हैं तो आपको अवश्य ही जेल होता है, और इसी शासन को हम कहते हैं कानूनी राज। ठीक है, तो कानूनी राज किसे कहते हैं आप समझ में आ गया होगा। तो इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, मजदूर हो, सभी देश में कानून के तौर पर समान है। अब आगे देखते हैं, सरकार किसी से भी उनके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थल के स्थल या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, उन्हें यह नहीं बोल सकता है कि आप हमारे जो प्रमुख धर्मों से नहीं जुड़े हुए हैं इसलिए आपके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसा कि सऊदी अरब की कहानी हमने बताया कि वहाँ पर केवल इस्लाम धर्म को ही बेहतर माना जाता है, बाकी धर्मों को नहीं माना जाता है। और आपको जाति वाली कहानी बताए थे, कोसोवो की कहानी, वहाँ पर जो अलग अलग धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, समानता यही कहता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समानता का अर्थ यह भी है कि हर आदमी उसके पास क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर भी उपलब्ध कराएगा। आपके पास जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आपको काम दिया जाएगा। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर भी दे दिया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, आरक्षण कहते हैं। तो कई बार आरक्षण का विरोध भी होता है, लोग कहते हैं आरक्षण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपको अवसर की समानता देंगे। अवसर का मतलब होता है हम आपको बराबर मौका देंगे, और अगर आप कहीं से कमजोर रह चुके हैं, क्योंकि हमारे इतिहास की जो बनावट कुछ इस प्रकार से थे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिसको शिक्षा पर्याप्त मिला और उनके पास धन संपत्ति भी पर्याप्त थी, इसलिए वो आगे बढ़ गए, और समाज के कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास शिक्षा पर्याप्त नहीं मिल पाया और धन संपत्ति भी पर्याप्त नहीं था, और इसलिए वो पीछे रह गए। और इसीलिए हमारे संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि अगर आप जो पीछे रह गए तो आपको क्या किया जाएगा, आरक्षण दे करके आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इसे ही हम कहते हैं अवसर की समानता। संविधान में छुआछूत को भी दंडनीय अपराध माना गया है। बहुत सारे जो लोग हैं छुआछूत पर विश्वास करते थे, जो रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे, तो छुआछूत विश्वास नहीं रखते हैं। आज सब लोग होटलों में साथ बैठ के खाते हैं, स्कूलों में साथ बैठ के पढ़ते हैं, परंतु ऐसा समाज में नहीं था। यहाँ तक कि अंबेडकर जी जो दलित जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने अपने खुद लिखा है कि मुझे बिल्कुल स्कूल में कॉर्नर में बैठना पड़ता था। और अगर आप थोड़ी भी कहानी सुने हैं तो जो भारत के सबसे महान व्यक्ति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी कहानी में एक बार बताया था अपनी जीवनी में कि वह भी धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार हो चुके थे और उन्हें एक बार अपनी कुर्सी को छोड़कर के पीछे बैठना पड़ा था। हालांकि बाद में उनके शिक्षक को यह एहसास हो गया कि ये मैंने गलत किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश में छुआछूत वाली बात है वो बहुत ही आम बात थी और इसे भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अगर आप छुआछूत वाली बात करते हैं तो आपसे अपराध घोषित कर दिया जाएंगे और आपको सजा भी हो सकती है।
तो ये अधिकार किसे क्या, इस पूरे अधिकार को हम क्या कहते हैं, समानता का अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र किया गया है, इसे हम कहते हैं समानता का अधिकार, और जो अनुच्छेद है उसे आर्टिकल भी कहते हैं, याद रखिएगा। समानता का अधिकार के बाद अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं। तो स्वतंत्र का मतलब होता है आप हर क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने लिखने कोई भी कला सीखने का के लिए आप स्वयं जो है स्वतंत्र है। शांति पर पूर्ण ढंग से जो है जीने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और कहीं भी अगर शांतिपूर्ण ढंग से जमा होना चाहते हैं, कोई ग्रुप बिठाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आप कोचिंग्स खोल रहे हैं और उसमें 1000-2000 बच्चे आ रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शांतिपूर्ण ढंग से आ सकते हैं। कहीं मेला वगैरह लग रहा है, कहीं हाट लग रहा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप सरकार का विरोध कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का आंदोलन करना चाह रहे हैं, और वह भी शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, असहयोग के तरीके से, तो आप पर कोई भी प्रकार का विरोध या अपराध नहीं किया जा सकता है। नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर जमा होने करके बैठक करने का, प्रदर्शन करने का, जुलूस निकालने का अधिकार है। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि भारत के लोग ट्रेन में बिना टिकट के भी सफर कर लेते हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है। अगला है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आप दल बना सकते हैं, दल बनाने की भी स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में आप रह सकते हैं, बस सकते हैं। कुछ ऐसे राज्य भी थे जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है, तो अब आप देश के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं, जब तक जो जम्मू कश्मीर है उसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जिसके चलते आप उस क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकते, ना ही रह सकते थे, लेकिन आप वहां पर बस सकते हैं। कोई भी काम करने का, आपको कोई भी धंधा करने का, किसी भी तरह के पैसा चुनने का आपका अवसर है। पैसा का मतलब होता है वह काम, वह रोजगार जिससे आपको आमदनी प्राप्त होता है, उसे हम पैसा कहते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में प्रोफेशन कहते हैं। तो आप इसे चुन सकते हैं और इसे ही हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और भारतीय जो संविधान है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में किया गया है। इसके अलावा अगला जो अधिकार है वह शोषण के खिलाफ अधिकार, यह भी बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, शोषण में जो सबसे खराब शोषण है ना, उसे हम कहते हैं मानसिक शोषण, और दूसरा है शारीरिक शोषण। तो ये होता है क्या, मान लेते हैं कि कोई भी बच्चे को पीटता है, तो बच्चे को पीटना, चोट पहुंचाना, हिंसक तरीके से हिलाना, जलाना, धक्का देना, गिराना, दम घोटना, जहर देना, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों से एक व्यक्ति की शरीर की क्षति होती है, और इसे हम शारीरिक क्षति कहते हैं, और इसीलिए इसे शारीरिक शोषण कहते हैं। कोई भी बच्चा जब यौन शोषण का शिकार हो जाता है और उससे वो बचना चाहता है, या फिर उसका जब विरोध करता है, तो उस स्थिति को हम, ये भी एक शारीरिक शोषण का ही शिकार का भाग है, लेकिन जब यौन शोषण होता है तो इससे उसके मानसिक असर पड़ता है, और इसे हम मानसिक शोषण भी कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें शोषण का ही उदाहरण है, और शोषण के खिलाफ भी हमें अधिकार मिला है कि हमें कोई भी शोषित नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता और हमें बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद हम, स्वाभाविक है कि हमें नागरिक को यह अधिकार भी हो गया कि उसका शोषण ना कर सके, इससे कोई भी कमजोर वर्ग जो है उसका शोषण ना हो सके। शोषण का मतलब होता है दूसरे को परेशान करना, आप किसी भी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते। अगर आपको खुद लगता है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप इसके खिलाफ जो है हमारे जो न्यायपालिका है उसमें जा करके केस कर सकते हैं और उस व्यक्ति को सजा हो सकता है। इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में भारतीय संविधान में। अब कुछ मुख्य बातें हैं जो सरकार या फिर हमारा संविधान मानता है कि ये जो है गैर कानूनी है, और इसे इस गैर कानूनी कार्य को मुख्य रूप से वह शोषण मानती है। कौन कौन सा काम है, पहला, संविधान में यह कहा गया कि कोई भी मनुष्य जाति का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, मनुष्य को खरीद या बेच नहीं सकते हैं, यानी अवैध व्यापार इनका निषेध है। आप बहुत बार सुनेंगे कि जो व्यक्ति है उनके ऑर्गेन्स को चोरी किया जाता है हॉस्पिटल्स में, और उनके ऑर्गेन्स को बेचा जा रहा है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, अवैध व्यापार में आ जाता है, और ये किसके, मनुष्य जाति का। अगला है, हमारा संविधान किसी भी किस्म के बेगार का मतलब होता है आपसे काम करवाना और उसके बदले में कोई भी पैसा नहीं देना, इसे हम कहते हैं बेगार। जबरन काम करवाना ये बिल्कुल ही निषेध है, ऐसे लोगों को जीवन भर अगर काम करते रहे तो उन्हें हम बंधुआ मजदूर भी कहते हैं। ये सारा जो है भारतीय संविधान बिल्कुल ही निषेध मानता है, आप इसे बिल्कुल नहीं करवा सकते। संविधान में बाल मजदूरी यानी कि बच्चों द्वारा किया गया काम भी बिल्कुल ही खराब मानती है, आप किसी भी बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का एक ही काम है, पढ़ना,
खाना और खेलना, ताकि उनका शारीरिक विकास बेहतर हो सके। इसीलिए किसी भी बच्चों से आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीज़ किस में आते हैं, शोषण के खिलाफ में आते हैं, और इसके खिलाफ हमारे देश में बहुत बार आंदोलन भी चले हैं। अब आइए पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप थोड़ी पहले कहानी को याद किए होंगे तो आपको बताए होंगे कि सऊदी अरब में बिल्कुल ही धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें यह कहता है कि आप किसी भी मामले में जो है किसी भी प्रकार के धर्म को चुनने, मानने, उस पर आचरण करने, यानी उस धर्म में जो भी बात है उसे मानने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए आप उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। इसका पूरी तरह से आपको अधिकार है, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें जो है शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। इससे किसी भी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अगर इससे किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुँचता है तो ये जो है बिल्कुल हिंसा का रूप ले लेगा, और हिंसा जो है आपके लिए क्षतिपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप धर्म को चुन सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, और इसे ही हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप इसे सार्वजनिक रूप से भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जैसा कि सऊदी अरब में नहीं था। अब आइए अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या होता है, पहले मैं आपको ये डिटेल से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, भारत में कुछ ऐसे समुदाय हैं जिसकी संख्या सर्वाधिक है और कुछ ऐसे समुदाय हैं जिसकी संख्या जो है वह कम है। तो जिसकी संख्या कम है तो वह क्या होगा, उसको अपने हिसाब से उसकी भाषा, उसका जो संस्कृति है, उसका जो धर्म है, उसको बचाना पड़ेगा। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने आने वाले पीढ़ी को ये सारी शिक्षा क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। आप ऐसा सोचिए कि पूरे भारत में केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ाया जाता तो हमारे देश की जो हिंदी भाषा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता और हिंदी हमारी संस्कृति ही ख़त्म हो जाती। उसी प्रकार से हमारे देश में कुछ ऐसे ही चीज़ है, जैसे कि मैं झारखंड का निवासी हूँ और झारखंड में संथाल जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है, और यहाँ पर संथाली भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, अगर उनको पढ़ाया नहीं जाए, उनके बच्चों को सिखाया नहीं जाए, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमारे देश में कहता है कि जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके धर्म को संरक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए उन्हें ये अधिकार दिया कि आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शैक्षणिक अधिकार दिया गया, यानी कि आप जो है शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये सारा अधिकार दिया गया है, और इसे हम कहते हैं संस्कृति का अधिकार। और इसीलिए भारत में अलग अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है, और भारत में विविधता भरा संस्कृति है। इसलिए आप जितना क्षेत्र में घूमिएगा, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छा है। अगर यही संस्कृति एक हो जाता तो बहुत ही खराब लगता। आप अपने भारत देश में ही दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों का मजा ले सकते हैं। भारत में संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार का जो उल्लेख है वह 29 एवं 30 में किया गया है, अनुच्छेद 29 एवं 30 यानी आर्टिकल 29 एवं 30 में इसका जिक्र किया गया है। देखिए, नागरिकों में विशिष्ट भाषा संस्कृति वाले समूह जो है अपने संस्कृति भाषा बचाने के लिए किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले किसी भी नागरिक धर्म को भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोक सकता है, उसे दाखिला लेना पड़ेगा। अल्पसंख्यक को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। ये हम तो बता चुके हैं कि वे शैक्षणिक संस्थान खोल भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं। अब आता है कि मान लीजिए कि ऊपर जितने भी अधिकार पढ़े, अभी हम लोग 5 अधिकार पढ़े, और उन 5 अधिकार में से आपको एक भी अधिकार नहीं मिलता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं कोर्ट में, और इस अधिकार को हम बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह लोकतंत्र के अधिकार को लागू कराने की मांग का अधिकार है, और इसे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं। यह अधिकार अन्य अधिकारी को प्रभावशाली बनाता है। जितने भी अभी तक 5 अधिकार पड़े हैं, वह अधिकार अगर आपको नहीं मिलता है तो उसे हम प्रभावशाली बनाते हैं। कोई भी अगर इसका उल्लंघन करता है तो आप अदालत के जरिए इन्हें रोक सकते हैं। अदालत में सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को बोला है आत्मा और हृदय, किसकी, संविधान की। ओके, तो ये था संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब कुछ और अधिकार लिखिए। मौलिक अधिकार में जो है विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसले से ऊपर है। मौलिक अधिकार जो है वह कोई भी नियम कानून से सबसे ऊपर है। आप इसका हमेशा यूज कर सकते हैं। इन अधिकारों का हनन या उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकार हो या आम नागरिक हो, इसे कोई भी छीन नहीं सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, आपराधिक मामलों में इसको छीना जा सकता है। याद रखिएगा, अगर कोई अपराधी होता है तो उसे हम क्या करते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो छीन ली जाती है। तो स्वतंत्रता का अधिकार उसे छीन लिया जाता है। और भी कई तरह के अधिकार छीन लिए जाते हैं जब आप अपराधी होते हैं। तो अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या हमारे पास इतने ही अधिकार होने चाहिए या हमें इन अधिकारों को बढ़ाने की जरूरत है।
तो हमें इन अधिकारों को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे अधिकार का क्षेत्र जो है वह बढ़ता जा रहा है। समय समय पर अदालतों ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं जिससे अधिकार का दायरा जो है बढ़ता जा रहा है। पहले प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकार का ही विस्तार है। पहले इन सभी चीजों को मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया। और भी अधिकार जैसे कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब जरूरी आपको लेना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें बाद में जोड़ा गया, जो यह दिखाता है कि हमारे अधिकार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे अधिकारों का विस्तार किया गया है जो हमारे लिए जरूरी है। तो ये था चैप्टर का एंड और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अभी क्लासेस डाउट और अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव के चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर पड़े हुए वीडियोस को देखने के लिए। यह पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।